रांची के कोकर स्थित हैदर अली रोड अब बजरंग नगर हुआ। रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में हैदर अली रोड का नाम बदलकर बजरंग नगर कर दिया गया। डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय और पार्षद अर्जुन यादव ने फीता काटकर लोगों को इसकी सौगात दी। पार्षद अर्जुन यादव ने कहा कि लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे। वहीं ब्रिटिश के समय से इस गली का नाम ब्राइड लेन था। कई बार लोगों के साथ बैठकों का दौर चलता रहा और अंत में इस गली का नाम बजरंग नगर रखने पर सहमति बनी। यादव ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। चूंकि एक बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है, इसलिए कोई भी संगठन या नेता विरोध कर रहे हैं तो उनसे अपील करना चाहूंगा कि इसे राजनीतिक से न जोड़े। इस मौके पर गंगा प्रसाद यादव, राम नारायण यादव, विपिन वर्मा, मंटू तिवारी, टिंकू झा, प्रदीप सिंह अन्य मौजूद थे। हमारे संवाददाता मनीष सिंह की रिपोर्ट, रांची झारखंड से। लोग ऐसे लोग हैं, किसी के बीच में धर्म के बीच में लड़ाई लगाने वाले लोग नहीं है। हम लोग का मेन मकसद था कि भाई यहाँ चार मोहल्ला का मिला के एक मोहल्ला का नाम रूपरेखा तय किया जाए। पूरे मोहल्ला का कई दौर में मीटिंग वहां से नहीं बहुत दिन से चला आ रहा है ये कि बजरंग नगर नाम रखा जाए। लेकिन इसको हम लोग कल अंतिम रूप मोहल्ला वाला लोगों ने दिया और उसको हम लोग कल किए। लेकिन इसका मामला अभी बोर्ड में जाएगा, बोर्ड में पास होगा, उसके बाद ना स्वीकृति मिलेगा तब ना हम लोग कुछ करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। अभी तो मामला बोर्ड में गए भी नहीं किया, नगर निगम का उस पर पहुँचा ही नहीं है। ये तो मोहल्ला वाले लोगों ने ऐसा काम किया है, इसे कहाँ सांप्रदायिक भावना हम लोग भड़का रहे हैं। लोग इसमें घुस कर जबरदस्ती, जैसे नहीं होता गिरनी के खोता में डंक मारना, वैसा डंक मार रहे हैं लोग। ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं उन लोग से सीधे निवेदन कहता हूँ कि आप लोग गिरनी और खोता में डंक ना मारें, इसको आगे आग ना ला रहा है, क्योंकि ये लहराने से सभी को दिक्कत है, हमको दिक्कत है, आपको दिक्कत, सभी को दिक्कत है। कुछ भी मान लीजिए इस सबसे करने से भावना बिगड़ सकता है, तो हम लोग क्यों सौहार्द को बिगाड़ेंगे। हम लोग यही अमन चैन का जिंदगी जीना पसंद करते हैं। मैं उन लोगों से जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अमन जिंदगी का चैन झारखंड में रहने दीजिए, झारखंड का स्वार्थ को ना बिगाड़े, क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा चल रही है, सरकार सबको लेके चल रहे हैं, हमारे हेमंत सरकार, तो उनका को स्वार्थ को आप लोग ना बिगाड़ने का काम करें। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो मोहल्ला है बजरंग नगर रखा गया है उसमें किसी भी तरह का किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई धर्म जाति या कोई जात को किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं उन लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने स्तर से शांत रहिए और जो भी होगा हम लोग निगम में देखेंगे, वोट में देखेंगे, उनके भी लोग पार्षद हैं, वो लोग भी विरोध करेंगे, ऐसा क्या ना करेंगे। इसीलिए मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपना शांति दिमाग से रहिए और जो हो रहा है होने दीजिए। मामला नगर निगम का, क्योंकि नगर निगम ही किसी स्थान का चयन करता है, नाम रखता है, वहाँ बोर्ड में जाएगा, बोर्ड में पास होना होगा, होगा नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत बनू बैक हो जाएंगे, इसमें क्या है। विशेष समुदाय के लोगों का हमेशा विरोध रहा है इस मामले में और उनका कहना है कि यूपी मॉडल के तर्ज पर आप और नगर निगम के महापौर और उपमहापौर मिलकर आपसे मिली भगत से ये कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो मैडम महापौर महोदय यहाँ तो आई नहीं, लोगों हम लोग को डिप्टी मेयर और पार्षद को बुलाया गया था, है ना। हम लोग का कभी मनसा नहीं रहा है कि हम लोग इस तरह का काम करें। हम लोग हमेशा भाईचारा का संदेश देने का काम करता है, करते रहते हैं, और हम लोग कभी कहा किसी का धर्म और या कोई जाति समुदाय को ठोस पहुँचाने का, हम लोग जनप्रतिनिधि है, किसी को हम लोग कहा सब बोलेंगे या कहा सब कोई कार्य करेंगे किसी को दिल में ठेस पहुँचे या मन में या उसका जाति धर्म में हम लोग नुकसान पहुँचाएंगे, हम लोग कभी मन में नहीं रहा। लोग ऐसा सांप्रदायिक रंग उसको देने का कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि इस पर अगर मान लीजिए आप हस्तक्षेप करते हैं तो जाँच कर लीजिए। मोहल्ला में किसी तरह का कोई किसी का विरोध नहीं है। आप बाहर के लोग अगर आकर यहाँ पर दूसरे मोहल्ला के लोग आकर यहाँ विरोध कीजिएगा तो एक लड़ाई ना होगा, तो आप लोग तो खुद लड़ाई का रंग दे रहे हैं। अरे हैदर साहब को हम मान सम्मान रखते हैं, मान सम्मान देने का काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग उनको दिल से हटा देंगे।